गौरव कौशिक जी भी मेरे साथ मौजूद है, जो है लगातार बधाइयों का सिलसिला जारी है, तो ये कब तक जारी रहने वाला और आपको कैसा लग रहा है कि जगह जगह पर बुलाकर जो है स्वागत किया जा रहा है, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बन चुके हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश नेतृत्व और जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने मुझे इतनी अहम जिम्मेदारी दी है। और स्वागत का सिलसिला ऐसा है कि युवा मोर्चा है, अगर युवाओं की गूंज लोगों तक नहीं पहुंचेगी और भारतीय जनता पार्टी की गूंज लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो फिर युवा मोर्चा जो कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, तो इस कहावत को पूर्ण करने के लिए जगह जगह स्वागत भी हो रहे हैं युवा मोर्चा के और ये भी निरंतर अभी कुछ समय तक तो चलेगा। अच्छा, तो जिस तरह से बधाइयों की और ढोल नगाड़ों की आवाज़ें आ रही हैं उसी तरह से जब आप अपने कार्य करने पर उतरेंगे उसकी आवाज़ इसी तरह, कहा ना कि जहाँ जिस और जवानी चलते उस और जमाना चलता, वित्त की ये कहावत तभी भी पूरी होगी, इससे तो कई अधिक गूंज होगी। अच्छा। जब ये जितने युवा यहाँ पर खड़े हैं और जितने रुड़की जिले के युवा हैं जब वो धरातल पर उतरेंगे तो अन्य पार्टी क्या, अन्य कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल, कोई भी पार्टी आसपास टिकने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं के लिए काम करती है, युवाओं की चिंता करती है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो युवाओं की चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी चिंता करते हैं, तो इसलिए कोई युवाओं की गूंज तो बहुत ज़ोरदार होने वाली है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जैसे आप बने हैं तो और कार्यों की बात तो बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ अपने युवा दोस्त इतने सारे खड़े भी आपके, इनके लिए पहला कार्य क्या होगा? इनके लिए पहला यही कार्य होगा कि इनका कार्य है, क्योंकि ये जिम्मेदार लोग हैं जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और इन सब का कार्य ये होगा कि जो युवा अभी तक भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। अच्छा, मतलब युवा को भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जागरूक करना है? बिल्कुल करना है, यही हमारा काम है, यही संगठन का काम भी होता है। समाज में क्या कार्य करेंगे अपने युवा को जागरूक करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और कार्यों के लिए जागरूक करने के लिए? जो हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है कि नशा मुक्त ये प्रदेश हमें करना है, तो उस दिशा में जरूर युवा मोर्चा काम करेगा, उनके सपने को साकार करेगा। हम ऐसे जागरूकता अभियान भी गांव-गांव जाकर, और जैसा कि सुनने में आता है कुछ इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ऐसे सामाजिक जो ये दिक्कतें पैदा कर रहे हैं उन लोगों के बीच में हम ये जाके जरूर जागरूकता अभियान चलाएंगे कि नशा नई पीढ़ी को ख़राब करता है। तो अभी और स्वागत का कार्यक्रम कहाँ है? इसके बाद रुड़की के अंदर केशवपुरम में, हाँ सोलानीपुरम में है, और फिर कल स्वागत कर रहे हैं। साहब मेरे साथ मौजूद है, माला लिए भी हाथ में खड़े, पहना दे गले में, कोई बात नहीं। चलिए, माला पहना दी गई है आखिरी भी गले में, बताया जिस तरह उन्होंने कहा है कि कार्य की गूंज भी और अपने युवा को जागरूक करने की गूंज भी इसी तरह सुनाई देगी। बिल्कुल देगी, गौरव भाई का नाम पहले से ही चर्चाओं में था। अच्छा। और इसी बात को देखते हुए सरकार ने ये अहम जिम्मेदारी ने दी है। अच्छा। जिसका नाम चर्चाओं में आ जाता है सरकार से जिम्मेदारी? नहीं नहीं, एक भागदौड़ होती है, लिस्ट होती है, भाई किसी का नाम ऊपर होता है नीचे, इन भाई का नाम सबसे ऊपर था। अच्छा। तो सरकार ने इन्हें ये अहम जिम्मेदारी इसीलिए दी है। अपने युवाओं को जागरूक करने के लिए आप भी चर्चा में आना चाहेंगे? बिल्कुल जी, क्यों नहीं आएंगे चर्चा में, हम काम करके चर्चा में आना चाहेंगे, काम करके आना चाहेंगे, युवाओं का साथ लेकर, कि वो युवा को नशा मुक्त कराना चाहेंगे। और क्या आपको लगते हैं कि अपने युवा भाइयों के लिए आपको कार्य करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और हमारे युवाओं को भी ध्यान रखना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। फिर भी ध्यान क्यों नहीं रखते? अब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कुछ युवाओं के बीच में से होती है, हमें वही सुधारनी है, उन युवाई वही युवा उनको थोड़ा सा बरगलाते हैं, हमें उन्हें समझाना है, इसी बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि युवा समझते नहीं, आपको लगता है कितनी हद तक समझते हैं? अच्छी तरह समझते हैं युवा सभी। मैंने बोला कुछ युवा समझते नहीं, सब समझते हैं युवा। अच्छा, सब समझते युवा साथ मिलकर चलेंगे, सब नशा मुक्त करेंगे हम अपने हरिद्वार जनपद को अच्छे से। गौरव भाई का सब कहना चाहेंगे भैया कि गौरव कौशिक जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है उसी तरह से कार्य कर पाएंगे? हाँ, उससे भी अच्छे कर पाएंगे, जितनी सोच से भी ज्यादा करेंगे, इतनी सोच उससे भी ज्यादा करके दिखाएंगे और अच्छा कार्य करेंगे। आप किस तरह से साथ देना चाहेंगे गौरव कौशिक? पीछे खड़े हैं जी, जिस तरह कहेंगे इस तरह खड़े, साथ में नहीं खड़े, पीछे नहीं, साथ में बराबर भी खड़े हैं जी। अच्छा, बराबर में खड़े। चलिए ठीक है, गौरव कौशिक जी ने जिस तरह कहा है कि उनके कार्यों की गूंज है वो भी इस तरह सुनाई देगी, तो चलिए देखते हैं किस तरह से कार्य होगा।